हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। हम अक्टूबर 16th शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस करेंगे। MSTCT 2020 के क्वेश्चंस है बच्चों ये, ठीक है। देखिए, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं आता। जितनी डिफरेंट वेरायटी मिलती है उसको सॉल्व करके रखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ LDE। बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर फॉर्म में अभी दिया नहीं है, हम लिखे आएंगे TT/dx, राइट। और यहाँ पे 1+x² है ऑलरेडी, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस t है। अच्छा, यहाँ पे y की जगह t है, ये समझ गया मैं। DT/dx विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1+x² माइनस t अपॉन 1+x², राइट। 1+x² को हटा दिया तो हो जाएगा DT/dx प्लस t अपॉन 1+x² इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1+x². अब ये बराबर फॉर्म में है। हमारा फॉर्म क्या होता था, DY/dx प्लस PY इक्वल टू q। यह वाई की जगह टी है, कोई बात नहीं, है ना। तो पी क्या है हमारे पास, टी के साथ जो टर्म होता है, ये जो टी है इसके साथ जो भी होता है, तो 1/(1+x²), ये पी है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, e^PdX, करेक्ट। तो e^(1/(1+x²) का इंटीग्रेशन, तो ये क्या होता है सर, फॉर्मूला आना चाहिए, है ना, e^tan−1x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e^tan−1x हुआ, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। आगे सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के छोड़ना है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बढ़िया। सेकंड, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो आगे बोला गया है मॉड ऑफ, बच्चों सबसे पहली बात ना ये मॉड वाली बात देख लो यार, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, इसका मतलब होता है एक्स इज बिटवीन −1 to 1 है। इसमें −1 to 1, यस। तो प्रोबेबिलिटी जो चाहिए ना मुझे, वो क्या होगा, −1 से 1 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस। बहुत अच्छी बात सर, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, करेक्ट है। 1/18 बाहर निकाल लेता हूँ, x+2 को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर, 1/18 बाहर, ये क्या है, x²/2 + 2x −1 से 1, ठीक है। 1/18 बाहर है, वैल्यू डालो अपर लिमिट, तो 1/2 + 2 अपर लिमिट हो गया, −1/2 − 2 लोअर लिमिट हो गया, कैंसिल कैंसिल, तो हमें क्या मिला है 4/18, जो कि 2/9 हो गया सर, यस, है ना। बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है ये तो, ओके। कुछ लोग कहेंगे सर −1 से 1 है, इवन ऑड लोग, इजी है ना इंटीग्रेशन, तो वही कर लो, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन, कुछ बच्चे ना देख के डर जाएंगे, कुछ बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, डरना नहीं है बच्चों, सिंपली क्या करना है, स्क्वेयरिंग। क्या होगा इसका सर, स्क्वेयरिंग, तो y/x का स्क्वायर देखते तो है, a² + 2 इंटू √y/x इंटू √x/y प्लस √x/y का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 16। हवा निकाल देते हम क्वेश्चन की अगर स्क्वायर करते तो, देखिए ये और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यस, और ये हो जाएगा y/x + 2 + x/y = 16, करेक्ट। बड़ा आसान हो गया ना ये, =14। बस अब इसके बाद क्या सर, ये तो सिंपल फंक्शन बन गया एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यस सर, है ना। अब क्या करेंगे, तो y²+x²−14xy = 0, ये क्या है, एक होमोजेनस इक्वेशन है, डिफ्रेंशिएट करो, आराम से कर सकते हैं, राइट, बड़े आराम से कर सकते हैं, ओके। −14 बाहर, यू वी रूल लगेगा, तो x^(1 dy/dx माइनस, ठीक है, x^(1 नहीं, एक्स को वैसे ही रखा, चलो अगर मैं पहले यू वी रूल लगा रहा हूँ ना बच्चों, यस, तो अगर x को डिफ्रेंशिएट किया है 1, तो y वैसे ही रहेगा, प्लस इस बार x वैसे ही, तो dy/dx, करेक्ट, है ना, ऐसी बात, यू वी रूल लगेगा वहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से dy/dx निकालना है, हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। चलो 2, 2 और ये 7 इतना काट देते हैं, dy/dx के टर्म्स देखेंगे अगर आप, तो यहाँ से y आएगा, ठीक है, देखो कौन कौन से है, ये एक है, ठीक है, ये एक टर्म है, और यहाँ पे ये भी एक टर्म है, तो y − 7x आ रहा है, ठीक है, प्लस x − 7y = 0, ठीक है, ऐसी बात होगी। सो dy/dx इंटू y − 7x विल बी इक्वल टू 7y − x, ठीक है, बस हो गया ख़त्म, है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक बच्चों। सो dy/dx कम्स आउट टू बी 7y − x / y − 7x, दिस इज आवर आंसर। आप कर सकते हो ना, एक बार आपने सिंप्लीफाई कर दिया, पहली स्टेप स्ट्राइक होनी चाहिए बच्चों को, है ना, बहुत सारे बच्चों को पहली स्टेप स्ट्राइक नहीं होती, फिर ऑप्शंस जो भी होंगे ना, बच्चे जिसने मुझे क्वेश्चन दिया उसको ऑप्शन याद नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन भाई देख के तो डरोगे आप, डरना नहीं है, sin 3θ का फॉर्मूला यूज़ करना है, 3sin θ − 4sin3θ, तो इंटीग्रेशन कर ले, sin θ / 3sin θ − 4sin3θ dθ। तो बच्चा sin θ में कॉमन निकाल सकते हो नीचे से, यस सर,
तो ये निकला अगर साइन थीटा कॉमन तो क्या बचेगा, है ना, साइन थीटा बाहर निकाला अगर मैंने तो 3 - 4 साइन स्क्वायर बचेगा, कैंसिल कैंसिल, तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन 1/3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। सर ये बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, करेक्ट। क्या करना होता है, डिवाइड, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, यही बात होती है सर। यस, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों, याद आना चाहिए आपको। कॉस स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर में 1 - cos² 3 - cos² ओके -4 sin² / cos² आपने सभी को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, यही मेथड होता है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड है ये। तो सेक्स स्क्वायर थीटा 3 sec² θ -4 tan² θ ऐसा आ जाएगा ये। आपको पता है ना सेक्स स्क्वायर ऊपर है तो पूरा नीचे टैन में कन्वर्ट करो पहले, तो आई कैन राइट 1 + tan² θ सेक्स स्क्वायर की जगह नीचे। ओके बच्चों ऐसा हो गया। अब आप टैन थीटा को टी रखते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, dt होता है, यस। तो इंटीग्रेशन हो गया dt/3t²-4t² तो आ गया बेटा dt/3 - t². सर इतना लंबा लंबा करना पड़ेगा क्या, एक्चुअली ना हो गया क्वेश्चन, पता है आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है 1/2a आता है, और a क्या है, √3 और log ऑफ a+x और a-x, राइट, ऐसा सब होता है, a+t a-t, पूरा करना नहीं है, है ना, आपको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था इस क्वेश्चन को, जैसे ही यहाँ आ गए आप छोड़ देना है, क्या होगा सर, √3 हो जाएगा, राइट, करेक्ट, क्योंकि आपको फॉर्म लाना था बस, तो k+tan θ वगैरह वगैरह वो तो आते रहेगा, तो k आया √3 ना, यही पे आपको बन जाता है, कहाँ पे, जैसे आपने देखा a²-x² वाली बात आ रही है। ओके बच्चों गुड, ये सारे फॉर्मूलेज काफ़ी कुछ, राइट, लेंदी है, इसलिए बच्चे कहते हैं ना लेंदी पेपर्स है, राइट, पेपर लेंदी था, लेंदी है, ये कारण है, क्योंकि करना पड़ता है बहुत सारा काम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब फेल्स, तो फेल की प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो मतलब जो भी है सक्सेस फेल दोनों ही 0.5 है, PQ दोनों ही 0.5 है, ठीक है, विच इज़ हाफ, ओके। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 times हिट करो आउट ऑफ n इक्वल टू 10, 10 अटेम्प्ट है, तो आपको p(x) = 2 चाहिए बच्चों। फार्मूला NCR p power r q power n - r, तो ये हो जाएगा 10c2 p power 2 q power 8, 10c2 कितना होता है 10 × 9/2, p power 2 मतलब ½ power 2 और ये ½ power 8, करेक्ट, तो ये आ गया 45 और ये ½ power 10 हो गया बच्चों। ओके, दिस गिव्स आवर आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन ऐसे ही थे क्या सर, पता नहीं बच्चों, है ना, जिन्होंने एग्जाम दी उन्हें पता, लेकिन जैसे जैसे मुझे मिला, है ना, मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट हो ना हो, ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस थे हमें, ये तो मिल रहा है, अलग अलग क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस हो रही है ना। एम और एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ, ठीक है, साइड्स ए बी एंड, ठीक है, एक क्वाड्रेटल बना लो कोई भी, ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ क्वाड्रेटल, ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना, ABCD, तो AB का मिड पॉइंट है M और CD का मिड पॉइंट है N, तो बच्चों अगर मिड पॉइंट है तो कहने से a²+b²/2 हो जाएगा, n बार क्या होगा c²+d²/2, यहाँ से, राइट, हमेशा यही करना चाहिए आपको, जब भी मिड पॉइंट की बात हो रही है आपका अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब पूछा क्या है सर, तो AD+BC के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो AD मतलब सर D-A और ये C-B, बेटा D+C पॉजिटिव वाली चीज़ें साथ में लेते हैं और A+B साथ में ले लेते हैं। अब D+C क्या है, कैन यू सी फ्रॉम हियर, यस, 2n है और ये है 2m, तो भाई 2 बाहर निकाला मैंने तो n-m, राइट, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो 2mn विल बी आवर आंसर, ठीक है, 2mn, तो 2mn t टाइम्स, तो t क्या आया बेटा 2 आया, राइट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत फास्ट करते हो, स्पीड स्लो कर लो आप यूट्यूब का, है ना, लेकिन आराम से समझ जाते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, बच्चों परपेंडिकुलर अगर है, आपको पता है क्या एक कॉन्सेप्ट, AX+BY+C को परपेंडिकुलर लाइन कैसा होता है, परपेंडिकुलर लाइन विल बी बी और ए को इंटरचेंज करो, BX AY और बीच में साइन बदल दो, ठीक है, ऐसा हो जाता है, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है ये, क्या है देखा, तो अगर मेरा इक्वेशन जो है 5X+2Y+C = 0, इसको परपेंडिकुलर लाइन कैसा होगा, एक्स और वाई के कोफिशियंट बदल दो 2X 5Y और बीच में प्लस था तो यहाँ माइनस कर दो, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, कितने कांस्टेंट 1, तो कितने डेरिवेटिव 1 बार, तो डेरिवेटिव लेंगे, यस सर, बस हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको लैम्डा एलिमिनेट करना होता है 2 - 5, ऑप्शन सी, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों क्या क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, देखो परपेंडिकुलर लाइन के बारे में भी सीख रहे हो आप, जिनको नहीं पता हो सीखते चलो, कुछ लोग बोलेंगे सर स्लोप ये होता है, मैं स्लोप वो कर लूँ क्या, यस कर सकते हो, है ना, यस मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, यस करो, सारे तरीके अपनाओ बेटो,
ठीक है। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, सर माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, तो ये तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है, अगर किसी को डायरेक्ट वैल्यू आती है तो बहुत अच्छी बात। माइनस ऑफ पाई बाय सिक्स प्लस पाई माइनस, दिस इज अगेन पाई बाय सिक्स सर, ओके ऐसा हो गया। पाई माइनस कितना, टू पाई बाय सिक्स, मतलब पाई माइनस पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री होगा सर, ओके। अब यार कॉस इनवर्स साइन इनवर्स तो ये होता ही नहीं है, पॉजिटिव वाली बात भी नहीं होगी क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ ही है सर, राइट। टू पाई बाय थ्री साइन इनवर्स का आंसर तो हमेशा क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है, ठीक है। और पॉजिटिव है तो भाई ये एक्यूट नहीं, एक्यूट ही होगा ना यहाँ पे जो आंसर होगा, तो भाई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ होगा, वैसे भी हमें पता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ ही है, करेक्ट, ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं, है ना, अलग अलग क्वेश्चन ये शिफ्ट वन के किए हैं, और भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, है ना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को बताइए। इसके अलावा पूरा जेई का प्लेलिस्ट है बच्चों मेरे पास, जेई या इनफैक्ट सीटी के शॉर्टकट सब चीज़ें मैं डालूंगा और, राइट, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, है ना, और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, है ना, ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए।